चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसके बाद इसकी विशेषताएं, ब्रह्मोस क्या है, INS चेन्नई क्या है पर हम विचार करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण INS चेन्नई से किया गया है। इस दौरान मिसाइल ने अरब सागर में मौजूद अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ सफलतापूर्वक लक्षित किया। भारतीय नौसेना ब्रह्मोस के जरिए लंबी दूरी पर मौजूद सतह के लक्ष्यों को युद्धपोत से भेदने में सक्षम हो गई है। अब हम जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से भी 2.8 गुना तेज गति से अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल की लंबाई 8.4 मीटर और चौड़ाई 0.6 मीटर है। इसका वजन 3000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने और 300 से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मोस क्या है। जमीन, आसमान और नौसैनिक संस्करणों वाली ब्रह्मोस एक बहुगुण मिसाइल है। इसका अर्थ है ब्रह्मोस का भूमि से भूमि, भूमि से समुद्र, समुद्र से भूमि, समुद्र से समुद्र, उपभूमि, हवा से समुद्र और हवा से भूमि विन्यास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसे भारत रूस ने संयुक्त रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। इस मिसाइल को DRDO रूस की NPOM संस्था ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस का पहला परीक्षण 12 जून 2001 को ITR चांदीपुर में किया गया था। इसे 2005 से भारतीय नौसेना के साथ सेवा में तैनात किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि INS चेन्नई क्या है। भारतीय नौसेना ने 21 नवंबर 2016 को INS चेन्नई को अपने बेड़े में शामिल किया था। करीब 7500 टन के इस युद्धपोत में 8-8 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में कुल 16 ब्रह्मोस मिसाइलें ले जाने की उन्नत क्षमता है। यह ऐसा तीसरा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है जिसका डिजाइन स्वदेशी है। इस श्रेणी के पहले पोत का नाम INS कोलकाता था और इसका जलावतरण 16 अगस्त 2014 को किया गया था। इसके बाद INS कोची का जलावरण 30 सितंबर 2015 में किया गया था। हमारे आज के विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने विचार किया। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।